7.2 का 1 तक बताए थे और प्रॉपर्टीज बता दिए थे, आज हम नंबर 2 बताने हम जा रहे हैं। 7.2 का नंबर 2 कहता है कलर द सर्कल्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर गिवन इन वर्ड्स। कलर द सर्कल्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन वर्ड्स। कहता है कि वर्ड में जो नंबर दिया हुआ है तो इसका मल्टीपल इसमें से कौन नहीं है, उसको कहता है सर्कल करके कलर करने के लिए। तो कलर का कोई बात नहीं है, सिर्फ सर्कल कर देना है। जैसे 2 का नंबर ए है, यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है 4, इधर लिखा हुआ है यहाँ 8, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। इसमें 4 से जो संख्या नहीं कटेगी वह उसी को हमको जो है सर्कल करना है। जैसे कि 14 नहीं कटेगा तो इसको हम सर्कल कर दिए, 18 नहीं कटेगा तो इसको सर्कल कर दिए, या 22 है, ये 22 जो है यह नहीं कटेगा। यही तीनों जो है 14, 18 और 22 जो है इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से नंबर बी है यहाँ 6, तो सिर्फ यहाँ दिया है 18, 20, 24, 26, 28, 30 और 42। तो 6 3 18 कट जाता है, 20 नहीं कटता है तो इसको घेर दो, या 24 कट जाता है 26 नहीं कटेगा, 28 भी जो है वह 6 से नहीं कटेगा, ये 30 कट जाता है, 42 कट जाता है, तो यह 20, 26, 28 जो है वह 6 का मल्टीपल नहीं है। यही आंसर हो गया 20, 26 और 28। इसी प्रकार से नंबर सी और नंबर डी जो है इसी तरह से बनाओगे। अब यह नंबर 3 है यहाँ कि सॉल्व एंड आंसर गिव रीजन फॉर योर आंसर। जैसे नंबर 3 का ए है यहाँ, कहता है इज 90 ए मल्टीपल ऑफ 5। तो ए है तुम्हारा यहाँ कि इज 90 ए मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ क्या करोगे कि 5 से पहले इसको डिवाइड कर दोगे, यदि पूरा कट गया तो लिख देंगे यस, और यदि पूरा नहीं कटा तो लिख देंगे नो। तो 90 को यहाँ डिवाइड कर दोगे 5 से, तो 5 बन जाए 5, तो 9 में 5 घट गया, यहाँ हो गया 4, फिर यह 0, तो 5 8 जाए 40, यह पूरा कट गया। तो यहाँ पर लिख देंगे यस, और उसके बाद लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 90 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 90 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। यही इसमें लिखना है गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर जो हमारा यह 18 हुआ तो उसका रीजन जो है इस तरह से लिखना है। इसी तरह से जहाँ पर देखोगे नहीं कटा, डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे कि नो, फलाना इज नॉट डिविजिबल बाय दिस, देयरफॉर इतना इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, जो नंबर रहेगा उसको लिख देना है।
अब नंबर फोर में स्किप काउंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। नंबर फोर में का ये है यहाँ कि मल्टीपल्स ऑफ फाइव का कुछ संख्या दिया हुआ है, जैसे 25 है यहाँ, 30 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 चार स्थान खाली है, तो कहता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ जब 5 5 जाए 25, 6 जाए 5 7 जाए, तो यहाँ 5 8 जाए 40, 5 9 जाए 45, 5 10 जाए 50, फिर 11 5 जाए 55। यही यहाँ भरेंगे, यही सब आंसर होंगे। इसी प्रकार से ये जैसे 8 8 5 जा यहाँ हो गया 40, फिर 8 6 जा 40, 8 7 जा, फिर 8 8 जा, 8 9 जा, 8 10 जा, फिर 11 8 जा, लिख देंगे यहाँ। इसी प्रकार से मल्टीपल्स ऑफ 11 का लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 10 का लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 13 का लिखेंगे, बन जाएगा, ठीक है। अब नंबर फाइव देखो, नंबर फाइव में फाइंड टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है कि यह जो पेयर में दिया हुआ है डिजिट या नंबर जो भी है, तो इसका दो टू कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो जैसे यहाँ फाइव का ए है यहाँ 5 और 7, तो पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, तो जैसे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, उसके 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा यहाँ 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, फिर 5 8 जा 40, फिर इसी प्रकार से इधर आगे बढ़ेगा, फिर मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अब हमको कह रहा है कि दो ठो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो इस दोनों में पहला कौन मिल रहा है, 35 35 मिल रहा है, तो 35 पहला होगा और दूसरा जो होगा वह होगा 70, दूसरा क्या होगा 70 का 35 को दो बारी कर देना है, 35 बन जाए 35 और 35 टू जाए 70, तब लिख देंगे देयरफॉर टू कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7, 7 इक्वल टू पहला हो गया 35, दूसरा हो जाएगा 70, यही हो गया आंसर।